नमस्कार, मैं वकार यूनुस, स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी एप्लीकेशन यानी विभव मापी का दूसरे अनुप्रयोग को। जो विभव मापी का दूसरा अनुप्रयोग है वो है आपका दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात, दो सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना। समझ आ गया? सिंपल सा है, बहुत इजी है। अगर आप सही मायने में सही तरीके से इन सब चीजों को देखते हो तो डेफिनेटली आपको ये 101% अच्छे तरीके से समझ आने वाला है, और आपका प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर आधारित है। जब आप प्रैक्टिकल लैब के अंदर जाओगे तो वहां पर जाके इन चीजों को आप प्रैक्टिकली भी देखोगे, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं दो विद्युत वाहक बलों के EMF, यानी विद्युत वाहक बल, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आपको ये प्राथमिक परिपथ पूरा करना होगा, जिसको हमने एक बैटरी यानी एक सेल और दूसरी की यानी कुंजी, इसको हमने EP बोल दिया। और उस कुंजी के अलावा यहाँ पर हमने एक धारा नियंत्रक से ए और बी के सिरों के मध्य यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक विभव मापी तार जुड़ा हुआ है। इन दोनों सिरों के मध्य क्या जुड़ा हुआ है, विभव मापी तार, इसको बोल दिया हमने ए, इसको बोल दिया बी, यहाँ पे इसको बोल दिया हमने धारा नियंत्रक RH। ठीक है, मैं आप ये सर्किट हम पहले भी बना चुके हैं और इसको आप सब जानते हो कि सब इसमें लगा हुआ है, थ्योरी में लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो इसका ए पॉइंट होगा वो होगा बनावट। क्या होगा? बनावट होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी बनावट की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको इससे दो सेलों को जोड़ना होगा, और दोनों का जो उच्च विभव है वो इसी ए बिंदु से, हमें दोनों सेलों के उच्च विभव को इसी बिंदु से जोड़ना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक टू वे की यानी द्विमार्गीय कुंजी का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? द्विमार्गीय कुंजी का उपयोग करते हैं। इसके एक दो और तीन, यानी इसके दो डॉट होंगे इसमें, एक तो एक दो के बीच में होगा, दूसरा दूसरे और तीसरी डॉट के बीच में होगा ये कुंजी। अपन जब इसको स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल लेवल में तो आप वहां पे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, जोकी हो गया, इसको क्या बोल दिया हमने, जे बोल दिया। अब क्या होता है इसमें, ये आपका परिपथ चित्र हो गया, इसको बोल दिया मैंने E1, इसको बोल दिया E2, यानी दोनों जो विद्युत वाहक बल है उनको एक को E1 नाम दे दिया, दूसरा E2 नेम दे दिया। ठीक है भाई, अब ये बनावट हो गई आपकी। बनावट में क्या लिखोगे आप, सर्वप्रथम प्राथमिक सेल यानी जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसको प्राथमिक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और उसको ए बी तार के दोनों सिरों को जोड़ने के बाद प्राथमिक जो परिपथ होता है उसको पूर्ण कर लिया जाता है। द्वितीयक परिपथ में हम दो सेलों का उपयोग करते हैं, दोनों सेल आपने नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर इनको लेक्लांग्स और डेनियल सेल लिया जाता है। ठीक है, हम जो हमारी लेबोरेटरीज है उसके अंदर मोस्टली क्या मिलेगा, या तो लेक्लांग्स मिलेगा या डेनियल मिलेगा। ठीक है, उन दोनों को हमने यहाँ रख दिया। उसके जो द्विमार्गीय कुंजी, इसको क्या बोलते हैं, द्विमार्गीय कुंजी है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो होती है एक मार्गीय कुंजी। क्या होती है? एक मार्गीय कुंजी। ठीक है, और जो ये वाली कुंजी होती है इसको बोलते हैं द्विमार्गीय कुंजी, द्विमार्गीय कुंजी, यानी इसके अंदर दो मार्ग होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी जरूरी है कि यहाँ पर कितने मार्ग होते हैं, इसके अंदर दो मार्ग होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, एक मार्ग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। किसकी बात करते हैं? कार्यविधि की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी चीज में मन लगा के हम पढ़ाई करें, किसी चीज को मन लगा के पढ़े, तो ये बात कंफर्म है कि हमें 100% नहीं तो करीबन 60-70% समझ आ ही जाता है, और जब उसको दो से तीन बार हम पढ़ेंगे लगातार तो वो 100% भी हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, सबको समझ आ जानी चाहिए। अगर ऐसा आपके अंदर होता है कि आपको समझ आती है तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक अच्छी जगह पर लेके जा सकते हो। ठीक है, हम कार्यविधि में बात करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद कर प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं।
अब द्वितीय परिपथ में, लगे सेलों के मध्य द्विमार्गीय कुंजी, के वन वे टू के मध्य डॉट लगाने पर विभव प्रवणता, क्या होगी भाई? विभव प्रवणता किससे निकालते हैं? विभव मापी के सिद्धांत से। क्या होता है? x इक्वल्स टू e1 है और यहां पर लेंथ आती है l1, परंतु जब संतुलित लंबाई l1 हो तो संतुलित लंबाई क्या है? l1, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू e1 अपॉन l1, यानी इसको बोल सकते हैं e1 इक्वल्स टू x l1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डॉट को, अब डॉट वन वे टू के मध्य से हटाकर, टू व थ्री के मध्य, लगाने पर, किसके बीच में लगा रहे हैं? टू वे थ्री के लगाने पर संतुलित लंबाई, L2 होगी, तो विभव प्रवणता, ये विभव प्रवणता आप बहुत पहले सीख चुके हो, ठीक है? तो क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू e2 अपॉन l2। यहां से अगर बात करें तो e2 इक्वल्स टू x l2, इक्वेशन नंबर 2। बस काम आपका हो गया, कुछ नहीं करना आपको, सबसे सिंपल है। अगर आपका मन लग रहा है तो दो ही चीज याद रखनी है। पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक और दो के बीच में डॉट लगाएंगे तो ये काम करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसके बीच में नहीं लगाया, तो इसका एक स्रोत जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा सिरा नहीं जुड़ा हुआ, और जब तक दूसरा सिरा नहीं जुड़ेगा जब तक ये काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये काम करेगा। और यहाँ से अपन बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको हमने अगर e1 के लिए तो l1 हो जाएगी, e2 के लिए क्या हो जाएगी? l2। तो सबसे पहले हमने बैलेंसिंग लेंथ, आप जानते हो संतुलित लंबाई निकालना, संतुलित लंबाई कब निकलती है? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर अविक्षेप की स्थिति आ जाती है, यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है इस जी के अंदर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, तब वो संतुलित लंबाई होती है, ठीक है? तो संतुलित लंबाई पहले के लिए हमने निकाल दिया x equals to e1 l1, दूसरे के लिए x equals to e2 l2। आप क्या करते हैं, e1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो e1 equals to x1 हो गया, दूसरे में e2 equals to l2 हो गया। अब यहां से थोड़ा सा बचा है बस, निकले। अब समीकरण एक व दो से, तो क्या हो जाएगा अपना? e1 equals to xl1 upon e2 equals to xl2। x x कैंसिल, तो यहां से आपका आंसर क्या जाता है? e1 आपका जो आंसर हो आ जाएगा e1 upon e2 equals to l1 upon l2, ठीक है? यहां से अपन केयरफुल कह सकते हैं कि किसी समीकरण से हम किसी भी एक सेल का अगर मान हमें पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो यहां से निकाल सकते हैं, यानी दोनों सेलों को पता है लेकिन एक लंबाई का नहीं पता है, तो हम इस सूत्र से वो भी निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो यहां से दोनों की तुलना कर सकते हैं, और तुलना का मतलब यही होता है कि दोनों का कंपैरिजन या दोनों का रेशियो पता करना। तुलना का मतलब रेशियो, दोनों का रेशियो पता करके दोनों का अनुपात जो होता है उसी को तुलना बोलते हैं। तो दोनों का अनुपात हमें निकल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसकी तुलना हो गई। यहां से एक चीज बात ध्यान रखनी है, अगर आपको इवन गिवन है, ये इवन गिवन नहीं है और ये सारे गिवन है, तो इवन निकाल सकते हो इसी सूत्र से। अगर कोई इनमें से कोई चार क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी अगर आपको गिवन नहीं है, तो इस सूत्र की हेल्प से आप वो निकाल सकते हो। यही क्या होता है हमारा? विद्युत वाहक, दो विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाती है, जिसको हम किसकी अनुप्रयोग में पढ़ते हैं? विभव मापी के अनुप्रयोग में पढ़ते हैं। तो मैं ये मानता हूँ
कि ये टॉपिक सबका क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, हम यहाँ पर प्राथमिक सेल वैसे के वैसे, प्राथमिक परिपथ वैसे के वैसे ही रहेगा और द्वितीयक परिपथ में दो सेलों का अनुप्रयोग करेंगे। पहला सेल लेग्रांज या डेनियल, दूसरा भी लेग्रांज या डेनियल, यानी लेग्रांज और डेनियल दोनों ले लिए। दोनों के बीच में द्विमार्गिक कुंजी लगाएंगे, द्विमार्गिक कुंजी के अंदर पहले दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे तो संतुलित लंबाई आ जाएगी, तो हमारी पहली समीकरण आ जाएगी, और दूसरे हम दोनों के बीच में लगाएंगे तो हमारी दूसरी समीकरण आ जाएगी। दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देंगे तो हमारी क्वेश्चन आ जाएगी E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। यानी यहां से एक चीज भी क्लियर होती है कि इस वाले मामले में x का कोई रोल नहीं है, यानी विभव प्रवणता का कोई रोल नहीं है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ जाती है या आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना खूबसूरत सा फीडबैक छोड़ दीजिएगा, साथ में जो लाइक बटन है उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हमारी अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अगली एप्लीकेशन हमारी तीसरी जो है वो है अल्प प्रतिरोध, यानी कोई छोटा सा प्रतिरोध है उसको हमें क्या करना है, उसका पता करना है अल्प प्रतिरोध का। तो अल्प प्रतिरोध का किस तरीके से हम करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद हम जस्ट वो ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अल्प प्रतिरोध जैसे कोई मान लीजिए कंटेंट है, उसके साथ हमने किसी अल्प प्रतिरोध को जोड़ दिया या उसके अंदर है, तो वहां से भी हम उस अल्प प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे उसकी बनावट, बनावट में हम क्या पढ़ेंगे उसका डायग्राम पढ़ेंगे। डायग्राम क्या होगा वो देख लेंगे। प्राथमिक परिपथ को नहीं बदलना है, वो कि वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट लगा दिया और रियोस्टेट को हमने सीधा किसी पोटेंशियोमीटर वायर के साथ जोड़ दिया। पोटेंशियोमीटर वायर क्या है हमारा, यहाँ पर ए और बी बिंदु के, ए और बी बिंदु के मध्य जो लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, विभवमापी तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विभवमापी तार बोला जाता है, समझ आ गया, ठीक है, ए और बी के मध्य। अब क्या करते हैं कि जो हमारा द्वितीयक परिपथ होता है इसमें हम एक तो ज्ञात प्रतिरोध, एक अज्ञात प्रतिरोध और यहां पर एक रियोस्टेट, और रियोस्टेट को किसी एक बैटरी के साथ सेल के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये छोटा पार्ट है, ये इसका बड़ा पार्ट है, और इसमें क्या भी लगा दिया, एक कुंजी लगा दी जिसको हमने क्या बोल दिया के, और इसके साथ में यहां पर इस तरीके से हमने इसके पार्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां से दो चीजें ली हमने, एक तो ये ले लिया और दूसरा ये हो गया हमारा, और तीसरा जो होता है हमारा वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक विभवमापी गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, और इसके साथ में हमने यहाँ पर एक क्या लगा दी, जो कि जे को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, जो कि जे को ऐड कर दिया। बस ये हमारा सिंपल सा डायग्राम है, चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और इसको थोड़ा सा बीच में लेके आ जाओ, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, समझ आ गया। ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध आर है, ये ज्ञात प्रतिरोध आर है, और ये हमारा बैटरी है दूसरी, इसको ES बोल दिया, यहाँ पर ये अपनी K2 है और ये हमने क्या K1, और इसको बोल देंगे हम EP, समझ आ गया। और ये हो जाएगा हमारा RH2 और इसको बोल देंगे RH1, यानी दो लगे हुए हैं, और ये हमारी क्या हो गई, जो कि हो गई, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। पहले आपको पता है जो कि क्या होती है, इसको बोलते हैं विसर्पी कुंजी, क्या बोला जाता है इसको, विसर्पी कुंजी बोला जाता है। ये डायग्राम आपको समझ आ गया हो तो ये चीज क्लियर है कि अब आपको समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले बता दूं आपको, सेल कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 की सहायता से हम प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं। द्वितीयक परिपथ में R क्या है, यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध, स्मॉल O क्या है, स्मॉल R क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, मैं यहाँ पर लिख दूँ ये, तो R क्या है यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध और स्मॉल R क्या है यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध, इसको क्या बोल देंगे, अज्ञात प्रतिरोध। कोई दिक्कत आ रही है किसी को, नहीं आनी चाहिए, अगर है तो दूर कर देंगे, ठीक है। ये वही द्विमार्गी कुंजी, इसको क्या बोल देंगे, द्विमार्गी कुंजी, ठीक है, टू वे की बोलते हैं इंग्लिश में, टू वे की, ठीक है भाई, ये टू वे की हो गई, मैं यहाँ पर लिख दिया है ना इस तरीके से, अपन चाहो तो ऐसा लिख देना, ठीक है। ये इससे संतुलित लंबाई क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी, ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी संतुलित लंबाई, एल आ जाएगी। अब मेरे हिसाब से आपको कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, समझ आ गया। अब करना क्या है, क्या करना है, कार्यविधि लिखना है, क्या लिखना है, कार्यविधि, और कार्यविधि में कैसे काम करता है वो चीज देखिए। सबसे पहले देखो
प्राथमिक संकट को पूरा कर लिया, यानी सर्वप्रथम तो किसको जोड़ देंगे, केवल, यानी लिख देना सर्वप्रथम, सर्वप्रथम केवल पूंजी को लगाकर, लगाकर केवल पूंजी को लगाकर अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो K2 है ना, इसको भी लगा देते हैं, K1 को भी लगा देते हैं और K2 को भी लगा देते हैं। तो फिर काम कैसे होगा? तो सबसे पहले K1 पूंजी व K2, K1 व K2 पूंजी को लगाकर, लगाकर डॉट, लगाकर वन वे टू के मध्य डॉट लगाते हैं, लगाते हैं तो संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है तो विभव प्रवणता, क्या किसकी बात करें हम, विभव प्रवणता की बात करेंगे। तो विभव प्रवणता यहां से क्या जाएगी, x = और यहां पर L1 आ गई फर्स्ट वाली में, x = क्या हो जाएगा। अब यहां पर इसके बीच में जो विभव होगा भाई R के मध्य, इसकी वजह से जो विभव प्राप्त होगा उसको बोल देंगे V, क्या बोल देंगे V, और अपॉन क्या हो जाएगा L1, V अपॉन L1। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो V = क्या हो जाएगा XL1, ठीक है। अब यहां पर देखो जो V है, यहां पर हम बात करें तो V = क्या है भाई, इसमें अगर धारा I बह रही है और प्रतिरोध R है तो V = क्या हो जाएगा IR। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या, IR = XL1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को दिक्कत है यहां से तो हम उसको भी यहां पे दूर कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और ये अपने को पता है किसके नियम से आता है, ओम के नियम से आता है, किसके नियम से आता है, ओम के नियम से, ठीक है। अब दूसरा लिखो, अब वन वे थ्री के मध्य डॉट लगाते हैं तो, डॉट लगाते हैं तो ज्ञात प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा और श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है तो संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है तो विभव प्रवणता, क्या ज्ञात करेंगे, विभव प्रवणता। सारे के सारे जितने भी आपके विभव मापी है सबके अंदर आपको विभव प्रवणता को ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, x = अब यहां पे देखो, इसके बीच में जब यहां पर v था तो यहां दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, v डैश, यानी विभव पे तो फर्क पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा v डैश अपॉन L2, ठीक है। यहां से अगर मैं आगे बात करूं तो बोल सकते हैं v = xL2, और अब हमें पता है कि v = क्या है, नॉर्मल तो IR होता है लेकिन यहां पे R+ क्या जाएगा, स्मॉल r, क्योंकि दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, तो यहां से आ जाएगा आपका I कैपिटल R प्लस स्मॉल r = XL2, क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, बस समीकरण 1 में 2 से देखें अपन, तो I R प्लस r = XL2 अपॉन I R = XL1, तो x से क्या, x क्या हो गया कैंसिल, I से I क्या हो गया कैंसिल, यहां से अगर मैं r निकालना चाहूं L2 अपॉन L1, ये L2 अपॉन L1 और ये ऊपर चला जाएगा R और नीचे क्या जाएगा
नीचे भी क्या जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे स्मॉल आर निकालना चाहे जिस तरीके से नहीं निकाल सकते, इसको थोड़ा सा और अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इक्वल्स टू एल टू अपॉन एल वन। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं इसको, वज्रगुणा। वज्रगुणा देखो एल वन आर प्लस आर इक्वल्स टू एल टू आर। अब यहाँ पर अपने निकालना है एल वन आर प्लस एल वन स्मॉल आर इक्वल्स टू एल टू आर। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से ये जो इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एल वन, एल वन आर और इसको लेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा एल टू आर माइनस एल वन आर। ठीक है, अब यहाँ से आर निकालना है मुझे तो आर कॉमन तो क्या जाएगा एल टू माइनस एल वन अपॉन और यहाँ पर क्या जाएगा एल वन। तो ये क्या आ गया हमारा, अल्प प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया, अल्प प्रतिरोध। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर इक्वल्स टू कैपिटल आर एल टू माइनस एल वन अपॉन एल वन। इसको क्या बोलते हैं, अल्प प्रतिरोध। यानी इस सूत्र की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्प प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, अल्प प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमने डायग्राम को बनाया, डायग्राम के बाद हमने डायग्राम में प्राथमिक सर्किट को पूरा किया, प्राथमिक के बाद हमने द्वितीयक को किया, द्वितीयक के अंदर हमने दो प्रतिरोध लगाए, एक हमारा ज्ञात प्रतिरोध था, दूसरा हमारा अज्ञात प्रतिरोध था। अज्ञात प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया, ज्ञात प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया। उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले एक में दो के मध्य इन दोनों की को बंद किया, के वन को बंद कर दिया, के टू को बंद कर दिया। के टू को बंद करते हैं हमारा जो ये ES है, ये मैं यहाँ से लालू कभी आप इसके साथ लिख दो, ये है ES। हमने ES काम कर रहा है, EP भी काम कर रहा है। इसके सहायता से हम यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, इसकी सहायता से। स्पेशल ES की यूज नहीं किया, नहीं कर सकते भाई, यहाँ पर अपना V हो जाएगा, दोनों को मिलाकर VDS हो जाएगा। यानी अकेले का तो V है, दूसरे का VDS है। हमने पहले लगाया इसमें तो यहाँ पर V, तो वहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला x equals to V upon L1। और जब हम दोनों को लगाएंगे तो दोनों इसमें श्रेणी क्रम में है, तो हमने दोनों को श्रेणी क्रम में लगाने के बाद इसमें तीन लिया तो यहाँ पर VDS मिला, तो हमारा इक्वेशन दूसरे क्या बनते हैं, इक्वेशन टू VDS अपॉन L2। अब हमने क्या है कि V equals to IR, क्योंकि इसके अंदर जो धारा का प्रभाव होगा वो IR होगा उनके नियम से, और दोनों के बीच क्या होगा I R plus small r, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नियम पढ़ा आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, वहाँ पे पढ़ा है हमने जो दो समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जो दो प्रतिरोध होते हैं उनका दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उनको जोड़ दिया। यहाँ से हमने दूसरी क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन दो में एक का भाग दे दिया और सब सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा ये आ गया। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो आपका ये आंसर है। ठीक है, लिख देना उपरोक्त समीकरण अल्प प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। इसमें से कोई एक मान आपको दिया हो और कोई दूसरा मान अगर नहीं भी दिया हो तो भी आप उसकी हेल्प से यानी उसकी सहायता से आप उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना वोल्ट मीटर का अंश शोधन, यानी अब हम आगे बढ़ेंगे और अब अनुप्रयोग खत्म होते हैं हमारे। अनुप्रयोग के बाद अगला टॉपिक आता है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कोई भी है उसका अंश शोधन किस तरीके से करेंगे वो हम आज इस लेक्चर में अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी सा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से उस पर ध्यान देते हो तो डेफिनेटली वो आपका सही से और पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, वो क्या है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सर इसमें एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वोल्ट मीटर का अंश, अंश का मतलब होता है कोई छोटा मोटा उसका पार्ट, यानी छोटी मोटी कोई वैल्यू। ठीक है, उसमें शोधन करना। अब आपको पता है आपने वोल्ट मीटर देखा है प्रैक्टिकल लैब में, जब जाओगे आप वहां पे देखोगे वोल्ट मीटर कैसा होता है। उस वोल्ट मीटर में हो सकता है कि जो अंदर कोई मशीन हो उसमें गड़बड़ हो सकती है, कोई स्प्रिंग में दिक्कत हो सकती है, जहां अंक लिखने चाहिए थे वहां नहीं लिखे हो, आगे पीछे लिखा हो, तो इस तरह की गलतियां हो सकती है नहीं हो सकती है। इस तरीके की गलतियों को पकड़ने के लिए या उनके अंदर शोधन, शोधन का मतलब सही करना, उनको शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहते हैं। अंश का मतलब कोई त्रुटि या कोई उसका छोटा सा पार्ट जिसको सही करना है, शोधन करना है, उसका शोध करना है, यानी उसके बारे में उसको ज्ञात करना है कि एक्चुअल में उसकी जो त्रुटि है वो है या नहीं है, अगर त्रुटि है तो कितनी है, उस चीज के बारे में पता करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वोल्ट मीटर का अंश शोधन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, वोल्टमीटर का अंशोधन बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल सा एक डेफिनेशन बोलूं तो अपन कह सकते हैं वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रश्नों की जांच, वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रश्नों की जांच विभवमापी द्वारा प्राप्त सही प्रश्नों से करना वोल्टमीटर का अंशशोधन कहलाता है। समझ आ गया, यानी वोल्टमीटर के अंदर जो कमी है उसको और एक विभवमापी के द्वारा, कोई एक वोल्टमीटर है, विभवमापी के द्वारा उसका मान को मापो और उसी वोल्टमीटर के द्वारा माप को मानो, जो दोनों में अंतर होगा उसका मतलब वो त्रुटि है, उस त्रुटि का पता करना ही क्या होता है, वोल्टमीटर का अंशशोधन होता है। क्या होता है, वोल्टमीटर का अंशशोधन होता है। तो अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बनावट, क्या देखेंगे, बनावट देखेंगे। तो बनावट में क्या करना है, सबसे पहले प्राथमिक, इसमें कोई बदलाव नहीं है भाई, ये जैसा पहला था वैसा कि वैसे यह है, इसमें कभी भी बदलाव होगा भी नहीं। प्राथमिक सर्किट तो आपको बिना देखे ही इसको तो पूरा कर देना है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही है। अगर वोल्टमीटर विभवमापी की बात करते हैं तो उसका जो प्राथमिक सर्किट होता है वो ये सेम ही होता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, केवल लगा देंगे। अब दूसरी बात आती है कि इसमें एक तो हम लगाएंगे स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड के मतलब कोई मानक सेल की ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, मानक सेल ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द्विमार्गी कुंजी, और यहाँ से एक और हम यहाँ पर सर्किट ऐड करेंगे और उस सर्किट के अंदर यहाँ पर लगा देंगे आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसके साथ में यहाँ पर लगाएंगे वोल्टमीटर, क्या लगा देंगे यहाँ पर, वोल्टमीटर। ठीक है, और इस वोल्टमीटर के साथ हम यहाँ पर एक वापस क्या लगा देंगे, एक RS2 यानी धारा नियंत्रक लगा देंगे, और इस धारा नियंत्रक के साथ यहाँ पर क्या लगा देंगे, की लगा देंगे, और की के साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से अपना जो सर्किट है उसको पूरा कर देंगे। साथ में इसके जो हमारा तीसरा बिंदु है यहाँ पर एक इसको साथ पूरा कर देंगे, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। साथ में यहाँ बैटरी लगा देंगे, ये उच्च विभव हो जाएगा, और यहाँ पर की लगा दिया आपने बैटरी के साथ तो ये की हो गया, इसको बोल दिया हमने K2, RH2, RH1 उधर हो गया, इसको बोल देंगे अपन कोई भी जो E है, मतलब कि कोई भी जो हमारा विभव है E है। ठीक है, इस तरीके से अपना डायग्राम पूरा हो गया, इसमें अभी भी बच रहा है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गैलोमीटर लगा देंगे, गैलोमीटर की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर एक तो लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, संतुलित लंबाई को हम ज्ञात करेंगे, किसको ज्ञात करेंगे, संतुलित लंबाई को ज्ञात करेंगे। समझ आ गया, ये पूरा की पूरा सर्किट है, इजी सा है, थोड़ा सा ध्यान देना समझ आ जाएगा, नहीं आए तो मुझे बता देना मैं इसको वापस समझा दूंगा। सबसे पहले तो बनावट, बनावट में EP, K1, RH1 और विभवमापी तार आपस में किसमें है, श्रेणी क्रम में। ये तो प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया, अब द्वितीय परिपथ में क्या लिखना है आपको, एक तो मानक सेल, एक द्विमार्गी कुंजी, एक अपना रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स, एक वोल्टमीटर जिसका अंशशोधन करना है, और दूसरा हमारा एक सेल, जो भी कोई भी सेल हो सकता है ये, और एक कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RS2 को हम लगाते हैं। ये लिख सकते हो इनके बारे में, अगर नहीं लिख सको तो आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। करना क्या है, टेलीग्राम में जाके करियर कोचिंग लाइन सर्च करनी है, उसमें ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इस चीज के इसके नोट्स वहां पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत, अब करते हैं हम इसकी कार्यविधि पर काम करते हैं। क्या करेंगे, कार्यविधि पर करेंगे, कार्यविधि पर कैसे कैसे क्या करेंगे वो आपको देखना है। सर्वप्रथम लगाते हैं हम 1 में 2 के मध्य डॉट, जब 1 में 2 के मध्य आपने डॉट लगाया, यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया तो यहाँ पर कौन काम करेगा, मानक सेल, और सब पहले उससे पहले अपन इन दोनों क्या कर लेंगे, दोनों को बंद कर लेंगे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम K1 व K2 कुंजी को बंद कर 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं तो मानक सेल का उपयोग कर संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करेंगे, जिसको जिसको K2
क्या बोलते हैं इसको, अगर स्टैंडर्ड सेल से हम एक्स निकालते हैं यानी विभव प्रवणता है तो उसको बोलते हैं विभव माफिका मानकीकरण। में पढ़ा चुका हूं आपको, अगर ओनली हम इस सेल का उपयोग करके यहां पर संतुलित लंबाई निकालने का प्रयास करें तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विभव माफिका मानकीकरण, जिसको विभव माफिका मानकीकरण कहा जाता है, मानकीकरण कहा जाता है। अब क्या निकालना है अपने को, विभव प्रवणता। ठीक है, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि L1 नहीं क्या उसको मान ले, ओनली L मान सकते हो। देखो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो इसको L मानो, चाहो तो इसको L1 मानो, चाहो तो इसको आप क्या मान सकते हो, L0 भी मान सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप L0 भी मानते हो तो भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो अपन इसको L0 मान लेते हैं क्योंकि बुक में L0 माना हुआ है, इसलिए मैंने क्या मान लिया L0। तो क्या हो जाएगा, x equals to, बोलो भाई, ES upon L0, equation number first, है ना, ये लिख सकते हैं अपन, या फिर यहाँ पे ES की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना, ES की वैल्यू भी अपन यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये चीज अपने क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, ये तो स्टेप फर्स्ट थी अपनी, ये तो फर्स्ट स्टेप थी, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहां से हटा दिया और अब किसके बीच में जोड़ दिया हमने, 2 के बीच में, अब 1 बाय 2 के मध्य लगे डॉट को हटाकर 2 और 3 के मध्य लगाने पर जैसे 2 और 3 के मध्य लगा दिया, वे लगाने पर वे रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम प्रतिरोध निकालने पर विभव प्रवणता। अब जैसे ही आपको कंडीशन है, जैसे आपने मान लीजिए किससे निकाल दिया, उससे निकाल दिया, जो मतलब कि अपने जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उससे निकाल दिया, तो वहां से अपन सीधी बात है जो भी हमारा मान होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हमने ज्ञात कर लिया x यानी ES upon L0, ये तो हमने इसलिए ज्ञात कर दिया कि यहां से हम क्या कैलकुलेट करने वाले थे, सिंपली क्या कैलकुलेट करने वाले थे बताइएगा, यहां से हम सिंपली विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने वाले थे पहले वाले से, कर लिया उसके मध्य। अब हम 2 और 3 के मध्य अगर लगाते हैं तो यहां पर जो अपने को मान मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, त्रुटिपूर्ण मान मिलने वाला है। क्या मान मिलेगा, आदि से 1 ओम प्रतिरोध निकालने पर वोल्टमीटर में प्राप्त मान नोट कर लेते हैं तथा विभव मापी का यथार्थ पाठ्यांक होगा। तो यहां से होगा, तो यहां से वीडियस निकालेंगे और वीडियस एक्स का फॉर्मूला होता है v अपॉन l, यानी अपना होगा जो मान वोल्टमीटर का प्राप्त मान नोट कर लेते हैं, जो त्रुटिपूर्ण है, यहाँ के बीच में एक लाइन लिखनी है भाई, जो त्रुटिपूर्ण है, क्या है, त्रुटिपूर्ण है, क्या है, त्रुटिपूर्ण है तथा विभव मापी का यथार्थ पाठ्यांक होगा। अब यथार्थ पाठ्यांक निकाले तो VDS equals to XL2, पाठ्यांक संतुलित लंबाई L2 पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V equals to XL2, equation number 2। अब क्या करते हैं, equation first में जो आपकी equation first है, equation 1 से समीकरण 2 में x का मान ज्ञात करने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर क्या जाएगा, देखो फटाफट, v dash equals to x का मान रखो भाई es upon l naught और multiply by l2, यानी अब l2 इसको l1 दे दो चाहे तो, only l दे दो
ठीक है संतुलित लंबाई l जनरल l का नेट नहीं दिया अपन ऑल दी l दे दिया तो यहां पर इसको आप बोलेंगे l तो आ जाएगा l अपॉन l नॉट और ब्रैकेट में es ये क्या हो जाएगा अपना v का मान आ जाएगा यानी v डैश का मान आ जाएगा किसका मान आ जाएगा v डैश का मान आ जाएगा। अब जो ये v डैश की वैल्यू होती है ना ये होती है त्रुटिपूर्ण क्या होती है त्रुटिपूर्ण और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है v होती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक में अगर त्रुटि निकालते हैं अब यहां से क्या निकालते हैं वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या निकाला जाता है त्रुटि निकाला जाता है। तो देखो यहां पर तो त्रुटि क्या आ जाएगा डेल वी इक्वल्स टू वी डैश माइनस वी या v माइनस वी डैश बोल सकते हो आप ठीक है क्या बोल सकते हो v माइनस वी डैश। तो यहां से क्या निकल जाएगी आपकी त्रुटि निकल के आ जाएगी यानी ये क्या हो गया वोल्टमीटर का अंशोधन हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से अभी भी हो सकता है कि आपके मन में कोई ऐसा नोट चल रहा हो कि ये सर एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हो सकता है भाई होता होगी बड़ी बात नहीं है हम निकाल रहे हैं। अब देखो समझने की बात करना हमारे पास जो विभव माप है ना वो एक्चुअल मान दिखाता है एक्चुअल मान प्रदर्शित करता है और जो वोल्टमीटर है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। अब दोनों के मान को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या निकल जाएगी त्रुटि निकल जाएगी। मान लीजिए वोल्टमीटर तो उसी को दिखा रहा है 2 और जब हमने विभव माप से किया तो वो निकला 2.2 तो दोनों में अंतर है ना एक तो 2 दिखा रहा है एक 2.2 दिखा रहा है इसका मतलब विभव में अंतर आ रहा है विभव में अंतर आ रहा है तो उसका मतलब किसमें गड़बड़ी है वोल्टमीटर में गड़बड़ी है किसमें गड़बड़ी वोल्टमीटर में। तो उस गड़बड़ी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन करते हैं। आप तो समझ आ गया ना उसी गड़बड़ी को निकालने के लिए बोल। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है सर रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम क्यों निकालते हैं। अरे मेरी बात सुनना भाई जब भी हम वोल्ट विभव पता करते हैं तो विभव हमेशा किसी प्रतिरोध के सिरों पर ज्ञात होता है किसी प्रतिरोध के सिरों पर। अब इसमें से सारे इसमें डॉट लगे होंगे तो इस पर प्रतिरोध तो हुआ नहीं इसका मतलब कंडक्टिविटी सीधी हो रही है और जब कंडक्टिविटी सीधी होती है तो आप ये चीज जानते हैं कि यहाँ पर विभव ज्ञात हम नहीं कर सकते इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह होगा धारा का जब प्रवाह किसी प्रतिरोध में होता है तो ही उसके सिरों पर विभव उत्पन्न होता है। ये चीज ध्यान रखना जब धारा का प्रवाह किसी प्रतिरोध के अंदर होता है तभी उसमें क्या होता है विभव उत्पन्न होता है उन प्रतिरोध के सिरों पर क्या होता है विभव उत्पन्न होता है। इसके माध्यम से हमने वोल्टमीटर का पाठ्यांक अब यहां से एक वक्र निकलता है एक वक्र हम ज्ञात कर लेंगे वैसे उसको निकालने की जरूरत नहीं है उसको इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि भाई वो वक्र बनाओ तो ये क्या होता है उसका वक्र होता है ठीक है ये किसका वक्र होता है हमारे वोल्टमीटर का वक्र इस तरीके से होता है समझ आ गया इसको बोल देंगे वोल्टमीटर के अंशोधन वक्र क्या बोलेंगे वोल्टमीटर का अंशोधन वक्र ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी त्रुटि है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने प्राथमिक को पूरा किया द्वितीयक में हमने एक मानक सेल लिया और मानक सेल से पहले मानकीकरण कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा उसके बाद हम द्वितीय परिपथ को यूज किया जिसमें हमने RH2 K2 और ये को सबको सीरीज में लगा रखा है RB के पैरेलल यानी समांतर एक वोल्टमीटर ले लेंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर लगाएंगे तो इस वोल्टमीटर में जो धारा है उसका मान दिखेगा उसको विभव माप पर संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो जो ये मान होगा ये त्रुटिपूर्ण मान होगा इसमें तो और इसमें त्रुटिपूर्ण मान नहीं होगा तो इस दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा वोल्टमीटर पाठ्यांक की त्रुटि में अंश शोधन हम निकालेंगे क्या कैलकुलेट कर लेंगे वोल्टमीटर की त्रुटि में तुलना में जो भी वोल्टमीटर का अंश शोधन कर लेंगे क्या कर लेंगे अंश शोधन। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक है एमीटर का अंश शोधन ये तो वोल्टमीटर का था अब हम किसको करेंगे एमीटर का फटाफट देख लेंगे थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है टफ सिंपल सा है एमीटर का एमीटर का अंशोधन उसमें प्राथमिक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे द्वितीयक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बस यहां परिवर्तन हो जाएगा। यहां परिवर्तन क्या होगा कि एक तो 1 ओम की कुंडली लग जाएगी यहां पर तो क्या लग जाएगी 1 ओम की कुंडली इसको तो अपन क्या बोल देंगे 1 ओम की कुंडली और इसके साथ में एक एमीटर लग जाएगा इसको बोल देंगे एमीटर और उस एमीटर के सिरों पर इस तरीके से हम क्या लगा देंगे एक सिंपल सा जो भी है बैटरी या जो भी वोल्ट एमीटर है
वो लगा देंगे। अब एवरी ट्रे एक तो अपना ये हो गया, एक तो अपना ये हो गया प्लस माइनस, और अपना इसका हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, डायग्राम तो आपका ही हो गया सामने, थोड़ा सा था बस अंशोधन में, ज्यादा नहीं करना अपने को, इतना सा बदलना था जो हमने बदल दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले फर्स्ट में सर्वप्रथम के वन के लगा देंगे, फिर वही वन टू के मध्य डॉट लाकर मानक सेल का उपयोग कर संतुलित लंबाई एल नोट पर ज्ञात मतलब कि एक्स इक्वल टू एस अपॉन एल नोट तक कोई भी बदलाव नहीं है, सिंपल रखना है। अब दूसरी में रखेंगे, जो दूसरी हमारी उसके हम बदल देंगे सेकंड में। आप क्या करेंगे, एक में दो के मध्य लगे डॉट को हटाकर दो में तीन के मध्य लगाने पर आर बी अब यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से चेंज लैंग्वेज बदल जाएगी, बाकी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ से लगाने पर वे जब धारा वन ओम की कुंडली तथा एमीटर से गुजरेगी, एमीटर से गुजरेगी तो एक विभव की प्राप्ति होगी, विभव की प्राप्ति होगी जो विभव मापी के विभव से तुलनात्मक है। तो संतुलित लंबाई L2 पर विभव, तो यहां पे निकाल देंगे VDS, VDS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो कि वही क्या निकालते हैं VDS इक्वल्स टू X L, यहाँ L पर यहाँ L1 हो जाएगा। ठीक है, संतुलित लंबाई L L1 पर ओनली L रखना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो VDS होता है ना उसको निकालो, वो हो जाएगा I इक्वल्स टू R, तो यहाँ पर I और R, R इक्वल्स टू क्या है 1 ओम है, पहले से पता है आपको I इक्वल्स टू 1 ओम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VDS इक्वल्स टू I, तो यहाँ पर VDS इक्वल्स टू क्या मानेंगे I मानेंगे। ये अगर आपको जो भी नीचे लिखा है मैंने अगर किसी कारण बस ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको वापस ऊपर लिख दूंगा। कहने का मतलब मेरा ये है समीकरण दो के बाद जो चीजें हैं आपको अगर नहीं दिख रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण दो से VDS इक्वल्स टू क्या होगा आई आर, भाई इसमें VDS इसी में निकालेंगे, यहाँ पे 1 ओम फिक्स है तो R इक्वल्स टू तो क्या है 1 ओम है, ऑलरेडी गिवन है, तो VDS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई, यानी क्या लिख सकते हैं हम आई इक्वल्स टू एक्स एल, समीकरण नंबर तीन। अब बोल देंगे समीकरण एक व तीन से, एक में तीन से क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई एस अपॉन एल नॉट और एल, है ना, तो आई इक्वल्स टू क्या बोल देंगे ई एस और एल अपॉन एल नॉट। ठीक है, ये क्या होगा अपना आई का मान आ गया, यानी जो हम निकाल रहे थे किसका ज्ञात कर रहे थे, यानी आई का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। ठीक है, आई का मान क्या है आई डे आई विभव मापी द्वारा मापा गया धारा का यथार्थ मान है, आई क्या है विभव मापी द्वारा मापा गया धारा का यथार्थ मान है। ठीक है, अब जो एमीटर द्वारा अगर हम वही त्रुटि निकाले मापा गया धारा के मान में त्रुटि, तो अगर एमीटर के एमीटर द्वारा धारा के मान में त्रुटि को अपने को निकालना है हो जाएगा डेल आई इक्वल्स टू आई माइनस आई डेस, आई डेस तो क्या है इसके अंदर जो वैल्यू है आई, और आई डेस क्या है आई क्या है इन दोनों के बीच में जो निकल रहा है, आई डेस क्या है इसके द्वारा जो राशि है उसको हम क्या बोल देंगे आई डेस बोल देंगे। ठीक है, यहाँ सिंपल बोल सकते हैं आई माइनस आई डेस, या आई डेस अपन आई माइनस बोलते हो तो भी गलत नहीं है, इसका वक्र अगर अपन निकालें तो इसका जो वक्र है वो लगातार इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अंश एमीटर पाठ्यांक का अंशोधन, यानी एमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, अंशोधन वक्र इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था वो इसी अंशोधन के साथ में खत्म होता है, हमने लास्ट में पढ़े थे। अगर किसी कारणवश किसी को फिर भी टफ लगा हो
तो इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अगर उसके बाद भी नहीं अगर आपको समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं नई वीडियो बना के आपको तैयार करके अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ इजाजत। थैंक यू एंड थैंक यू।